नमस्कार दोस्तों, फ्लेवर्स फ्रॉम बनारस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इडली सभी को बहुत पसंद आती है, लेकिन जब हम राइस इडली बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। आज मैं आप लोगों के लिए इडली की एक इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है और सब्जियों से लोडेड है। इडली की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रवा इडली या सूजी की इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप रवा या सूजी लिया है और इसमें अब हम ऐड करेंगे हाफ कप दही, ये घर की जमाई हुई दही है। अब हम इसमें आधा कप पानी मिला देते हैं और इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, तो एक विस्कर लेंगे और इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से फेटेंगे। सॉफ्ट स्पंजी और फूली फूली इडली बनाने के लिए सूजी को रेस्ट करने के लिए रखना होगा, तो हमने यहाँ पर ये मिक्सचर तैयार कर लिया है और अब एक ढक्कन लगा देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसको एक साइड में रख देंगे। जब तक हमारा बैटर तैयार हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारियाँ पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक इडली मेकर लिया है और इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया है और अब हम इसको गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब हम इडली मोल्ड्स लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी चिकनाई लगाएंगे, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया है जिसको ब्रश से इस तरीके से लगा लेंगे और इसको एक साइड में रख देंगे। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपना बैटर चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सूजी बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गई है और ये मिश्रण काफी गाढ़ा हो गया है। अब हमें इस मिश्रण में कुछ चीजें ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां ली है, आधा कटा हुआ टमाटर, आधा कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कटा हुआ गाजर, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, थोड़े से कॉर्न और हरी मिर्च। अब हम इन सारी चीजों को मिश्रण में मिला देंगे। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। फ्लेवर को थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च मिलाएंगे, तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च लिया है और इसके साथ ही हमें इसमें नमक ऐड करना है, तो यहाँ स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और क्योंकि ये मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम इस सारे मिश्रण को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और इसको बराबर से मिक्स करते जाएंगे। अब ये मिश्रण एकदम तैयार है और अब इसमें इनो ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून इनो लिया है और अब इसको अच्छी तरीके से मिश्रण में मिला देंगे। इनो मिलाने के बाद जो हमारा मिश्रण है वो काफी स्मूथ और बहुत लाइट हो जाएगा और अब इसकी हमें इडली बनानी है। तो मैंने यहाँ पर ये जो मिश्रण है वो इडली मोल्ड्स में डाल दिया है और अब ये सारे मोल्ड्स हमें इडली स्टैंड में लगाने हैं। इडली मेकर में हमने जो पानी गर्म होने के लिए रखा था वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया है और अब हम एक एक करके इडली मोल्ड्स को इडली मेकर में लगा देंगे और इसको ढक्कन लगा देंगे। इसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर लगभग 15 मिनट के लिए पकाएंगे। दोस्तों, रवा की इडली बनाने में हमें लगभग 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ सब्जियां ऐड की हैं तो इसके लिए हमें 15 मिनट इसको पकने देना होगा। दोस्तों, 15 मिनट हो गया है और अब हम इडली को चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक चाकू लेंगे और इस तरीके से इसको प्रिक करके देखेंगे, अगर चाकू क्लीन निकल रहा है इसका मतलब है कि इडली हमारी तैयार है। इडली को ठंडा होने देंगे और ठंडा होने पर इस तरीके से चाकू से हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारी इडली कितनी स्पंजी और कितनी जालीदार बनी है और अब हम इसी तरीके से बाकी के सारे इडली को मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, रवा इडली की ये रेसिपी आप नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी या फिर धनिया की हरी चटनी के साथ सर्व करिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी। ये रेसिपी काफ़ी आसान है, बहुत स्वादिष्ट है और बहुत ही हेल्दी है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी देर मत करिए, इसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिल जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।